मासूम सी बच्ची नखुशा को देखिए ना, इस उम्र में दर दर भटक रही है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ये सिर्फ और सिर्फ पिता पर निर्भर करता है, माँ पर नहीं। इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है। क्या कर रहे हो आप? छोड़िए इसका हाथ, छोड़िए। अभी फोन भी नहीं आया आपकी बेटी से? एक बार फोन पे बात हुई थी। मा, मुझे यहाँ से ले जाओ। हमें कमला को उस नरक से निकालना होगा बाहर। भटकना तो उसकी माँ इतनी आसानी से अपने गुनाह कबूल कर ले, ये संभव नहीं। मेरे पास एक प्लान है। नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? मैं बदलीपुर से आया। क्या नखुशा नाम की लड़की यहीं रहती है? नखुशा जी नहीं, यहाँ नहीं रहती। देखिए, ये हमें बदलीपुर में मिली है। इसके परिवार को ढूंढ रहे। मैं नहीं जानती इसे। आप पक्का इसे नहीं जानती? एक बार कह जो दिया, इसे नहीं जानती मतलब नहीं जानती। अरे भाई, इतना नाराज क्यों हो रही हैं? अच्छा, ये एक ग्लास पानी प्लीज पिला दीजिए। देखिए, मुझे बाहर जाना है और मुझे देर हो रही है, आप पानी कहीं और जाके पी लीजिए। तो इंस्पेक्टर अंकल ने फाइनली नखुशा की फैमिली को ढूंढ लिया। यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, इसके वो बाऊजी और दादी को तभी क्यों नहीं धर लिया? क्योंकि उन्हें सबूत चाहिए था, पक्का सबूत, है ना किती? हाँ, देख अगर सबूत कमजोर हुए ना तो वो लोग आसानी से छूट जाएंगे। यार मुझे ये कानूनी हथकंडे ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, एकदम आउट ऑफ कोर्स है। क्या ये मतलब, अबे यार सामने अपराधी खड़ा है तो उसे तभी क्यों नहीं पकड़ लेते? यार सबूत मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, देश आजाद ही नहीं है क्या? देश आजाद है क्योंकि ना कानून सबूत मांगता है। जिसको देखो यार, कुछ ना कुछ मांग रहा है। कानून सबूत मांग रहा है, ये नखुशा के पापा बेटा मांग रहे हैं, किट्टी के फादर वो इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट, इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट मांग रहे हैं, तारा के पापा पता नहीं क्या मांग रहे हैं। मतलब बदलीपुर में ना सब कुछ ना कुछ मांग ही रहे हैं, तो बदलीपुर नाम ही हटा दो यार, मांगपुर नाम रख दो इसका, मांगपुर। नहीं नहीं, आप है ना जो कुछ नहीं मांग रहे। नहीं यार, मैं भी मांग रहा हूँ उड़ान देवी से पंख। एक बार बेटा पंख मिल गए ना, उड़ जाऊंगा और सारे केस सॉल्व। नीचे आ जा, ऊपर ना ऑलरेडी बहुत से हवाई जहाज घूम रहे हैं, उनको तेरी जरूरत नहीं। नीचे आ जा। अब ये क्या था? अरे इसने किसी ने बोला ना अभी, नीचे आ जा, लैंडिंग कर ले। तो मैं नीचे आ गया। लेकिन यार ये नीचे आती भूख सी क्यों लग रही है? डू यू हैव सम फूड खाने को है? अरे हाँ, मेरे पास एक चीज है, दिखाऊं? गरम गरम मुक्का खाएगा? वैसे किटी, आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान है इंतजार करना। खाली पेट? तारा, तेरे पास कुछ खाने को है? योर फादर डोंट ड्रिंक एट ऑल, ही इज ग्रेट पर्सन, बहुत बार ही सेव मी, पता है? और उस दिन जो लड़ाई हो गई थी, एकदम से आ गए थे बचाने। अरे क्या हुआ? नखुशा मिल गई है उन लोगों को, पता ढूंढते फिर रहे हैं, यहां पर भी आए थे, मैंने तो साफ मना कर दिया। 12 साल से उस नर्क को अपने पास रख लिया, अब और नहीं। अच्छा क्या मना कर दिया? आज जैसे तैसे पीछा छुड़ा लिया, कल अगर जायदाद में हिस्सा मांगने आई तो, और साथ में पुलिस को ले आई तो, इसको रास्ते से हटाने के सिवा और कोई चारा नहीं है। सारा काम आज ही करना पड़ेगा, पहले उसकी माँ को, फिर उसकी बेटी को। और समझ में नहीं आता? नहीं। आज। आपका नाम किसने रखा? पापा ने।
मेरी भी पापा ने। जब मैं इस दुनिया में आई तब वो खुश नहीं थे, इसीलिए मेरा नाम नाखुशा रख दिया। आपका नाम तो कितना अच्छा है, रोशनी। रोशनी का मतलब प्रकाश ना? हाँ, रोशनी का मतलब प्रकाश, लाइट। आपके पैदा होने पर आपके बाबूजी कितने खुश हुए रहेंगे, उनको कितना अच्छा लगा होगा ना। चलो सो जाओ आप, रात बहुत हो गई है, स्लीप। गुड नाइट। गुड नाइट। लेकिन इतना भी नहीं है कि तू प्रिंस से छूट के भाग जाए। भाई डोले वोले मेहनत इसने ऐसे ही नहीं की, और तू इतनी मेहनत मत कर, पसीना पोंछने के लिए कोई रुमाल भी नहीं देगा। वैसे कर तो मैं खेला ही लेता, लेकिन he has came, so I thought, क्या हो रहा है सब? नखुशा पे अटैक किया इसने, क्या हो रहा है सब? कौन तुम, कहां से आए हो और तुम्हें भेजा किसने? जवाब दो। जवाब तो ये पुलिस स्टेशन में जाकर देगा, ले जाओ उसको। प्रधान जी, कल बच्चों को स्टेटमेंट के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ठीक है सर। किट्टी, अदरक, तुम लोग इतनी रात को यहां कैसे? क्या तुम्हें पहले से कुछ पता था? जी प्रधान जी। चलिए फिर, नमस्ते। चलो नखुशा बेटा। नहीं, मुझे रोशनी मैम और तारा के साथ रहना है। बेटा चलो चलो। नहीं, मुझे रहने दीजिए ना प्लीज। अरे अगर नखुशा यहाँ रुकना चाहती तो रुकने दीजिए ना, बस रोशनी जी को कोई दिक्कत ना हो। तो कैसे बातें कर रही है, मुझे कैसे दिक्कत होगी, वैसे भी हम लोग फ्रेंड्स बन चुके हैं, है ना? अच्छा ठीक। क्या नखुशा कोई पीछा कर रहा है? हाँ, बाहर तक आ गया था बाइक लेके। शायद ये सब इंस्पेक्टर अंकल के शक्करपुर जाने का नतीजा है। वो उसके बाबूजी भी तो हो सकते हैं। हम एक काम करते हैं ना, हम नखुशा को उसके नाना नानी के पास छोड़ देते हैं, उसे पता भी नहीं चलेगा। नहीं तारा, उसे यहीं रहना होगा, वो यहीं सेफ है, हम सब हैं यहाँ। इसी बहाने उसकी दादी और उसके बाबूजी को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं, अरेस्ट करवा सकते हैं। ठीक, आप एक काम करिए, आज रात को आप यहीं रुक जाइए, मम्मी से परमिशन लेनी होगी, चाचू हेल्प कर देंगे मेरी। प्रिंस ब्रदर, आई लव यू, मुझे पता था तू मुझे कभी नहीं जाने देगा कहीं। अरे मैं रह लूंगा तेरे साथ यार, कमरे में क्या टेंशन है। और देख, अदरक किसी को बार बार नसीब नहीं होता। कोई बात नहीं यार, मुझे कोई टेंशन नहीं है रहने में, मैं तेरे साथ रह लूंगा। आई लव यू यार, ही इज सो स्वीट। सारी बातें ठीक है, नहा के तो आया ना? क्या मतलब है, आई ऑलवेज बाथ। चलो दैट्स गुड, फिर ठीक। अगर ये सब तुम्हें पहले से पता था तो हमें बताया क्यों नहीं? ये तो तुम लोगों ने बहुत बड़ा रिस्क लिया, ये तो
भगवान का लाख लाख शुक्र है कि नाखुशा बच गई, वरना हम उसकी नाना नानी को क्या जवाब देते। प्रधान जी, लाइफ ही रिस्क है और जीना तो पड़ेगा ही ना, इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं। प्रधान जी, आप परेशान मत होइए, बच्चों ने मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया था। और किटी अपने चाचू से परमिशन लेकर आई है। अच्छा, डॉक्टर साहब को भी बता रहा, सिर्फ हमें ही नहीं पता। तो बच्चों ने सोचा कि चलो आगे से कुछ भी ऐसा करो तो मुझे जरूर इतला करना। सच बता नहीं तो सारी जिंदगी तुझे जेल में सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। नहीं मालूम साहब, नहीं मालूम। ये नहीं बोलेगा लेकिन इसका फोन बहुत कुछ बोलेगा। इतने में कहां से मिला? लास्ट डायल नंबर पे फोन करता हूं, ये जरूर इसके बॉस का होगा। फर्स्ट नंबर, मुंह बंद करो इसका। मुकुल, बोलिए, थूक दे उसके मुंह में। खोलेगी की तू? उसका मुंह बंद रख। हेलो किशन, काम हो गया? अरे मार दिया ना कुशा को। हेलो मम्मी, अरे कुछ तो हो, हाँ या ना? हरामखोर कहीं पी के पड़ा होगा। कुछ नहीं पता तुझे, ले लो उसको। अंकल, अब तो आपको सबूत मिल गया ना, अब तो कानून बहुत कुछ कर सकता है। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ। बहुत ठोस सबूत है हमारे पास। वो फोन के पीछे किसी की आवाज आ रही थी। हाँ, थोड़ी थोड़ी आवाज तो आ रही थी। हाँ, मैंने भी सुना कुछ, वो झटपटा रहा था कोई पीछे। वो मेरी मम्मी की आवाज थी, मुझे लग रहा है कि उनका कोई गला घूट रहा है। क्या इसका मतलब? नखुशा की मम्मी डेंजर में है। आप प्लीज मेरी मम्मी को बचा लीजिए, नहीं तो वो उनको मार देंगे। हम जरूर इन्हें बचाएंगे बेटा, हमें फौरन नखुशा के घर दबिश करनी पड़ेगी। नखुशा को भी साथ ले चलते हैं। अमलदार, तैयारी करो। कोई शोर नहीं करेगा, आधे आधे दोनों तरफ बढ़ जाओ, सावधानी से। मुंह खोल, पानी पिला दे उसको। मुंह खोल, कुछ असर हुआ कि नहीं? हम असर हो रहा है। इस वक्त कौन आया होगा? नहीं मां, तू बाहर जाके देख। मैं देखती हूं। तुम दादी, हम आपके पास हमेशा के लिए आ गए हैं। आप क्या सोच रहे हो कि हम वापस क्यों आए? आप जैसी भी हो, आप हमारी दादी हो। बाहर के लोग बहुत बुरे हैं। अच्छा, बाहर के लोग बहुत बुरे हैं ना, तो फिर ऐसे बाहर की दुनिया में जी के क्या करेगी? किसी के भरोसे पे कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। चल, आज मैं ही तेरा काम तमाम कर देती हूँ। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं पहले खुद को तो छुड़ा।
माँ उठिए माँ माँ। इन लोगों ने स्लीपिंग पिल्स खिलाए, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलना होगा, जल्दी करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उठो उठो उठाओ उठाओ, जल्दी करो। देखिए आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी सशक्त है हमारी बेटी, कुछ नहीं होगा, हम जानते हैं। तो फिर ये आंसू क्यों? ये काम हम बहुत पहले कर सकते थे, काश काश उस दिन बेटी का साथ दिया होता। इस बात का परवाह किए बगैर कि बेटी घर लौट के आएगी तो लोग क्या कहेंगे, तो शायद यह आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। लोकलाज ने हमसे हमारी बेटी छीन ली है। माँ बाप का साथ तो बच्चों के ऊपर हमेशा होना ही चाहिए, हर हाल में। कि लोग क्या कहेंगे ये सोच सोच कर हम अपना ही दुख बढ़ा लेते हैं। आज एक बात अच्छे से जान, ये दुनिया है इसमें लोग तो हर हाल में कहेंगे। अब उन्हें होश आ चुका है, आप चाहें तो उनसे मिल सकते। आप लोग क्या सोच रहे हैं? जाइए जाइए, जाकर मिलाइए। अरे आंसुओं में दो घुल जाते हैं। पहले हमारी बच्ची है, लोग बाद में। हम दोनों तेरे साथ हैं बेटा। मां वो अब जेल की सजा काटेगा। ऐसी हरकत करने वालों को कानून ऐसा सजा देता है वो जिंदगी में दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। बदलीपुर का नाम बदल के ना सस्पेंस पुर रख देते हैं। यार रोशनी मैम ने सबको बुलाया क्यों है? भाई मुझे तो लग रहा है उन्होंने हमें इसलिए बुलाया कि वो शादी वादी कर रही हैं और उसका हमें नौता देंगी। शादी नहीं याद रख, हमें नहीं लगता रोशनी मैम इतनी जल्दी शादी करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, उम्र हो रही मैम की। भाई शादी के लिए तो तू बहुत उतावला है कि कब करिश्मा हाँ बोले और झट मांगनी और फट ब्याह। अरे हम क्यों करेंगे करिश्मा शादी, फिर किससे करेगा? बहुत इंटरेस्ट आ रहा है हमारी शादी में। नहीं इंटरेस्ट मुझे नहीं है, वो तो किट्टी को है। क्या बकवास कर रहा है, मुझे क्यों इंटरेस्ट होगा? अरे मेरा मतलब है किट्टी को इंटरेस्ट है शादी वादी में जाने का। मतलब इसकी शादी होगी तो प्रधान जी आइसक्रीम की स्टॉल लगाएंगे, फिर तू आइसक्रीम खाएगी, इसीलिए कह रहा था मैं, है ना? से मैं कमला आंटी की शादी को देख के ना डर लगने लगा। डर किस चीज का? अब हर इंसान बटरफ्लाई थोड़ी होता है, और जब तक अपनों का साथ हो तब तक कैसा डर? तारा हम है ना,
हर हाल में तुम्हारे साथ, तुम्हारे भाई। काश कोई ऐसी चिप होती जो रातों रात सबके दिमाग में फिट हो जाए, उसमें LLDB लोड करके इंस्टॉल कर देती। हाँ, LLDB, लड़का लड़की दोनों बराबर। अबे लो, आ गई LLDB की आविष्कार करने वाली रोशनी मैडम। तू तो कह रही थी ये शादी नहीं करेंगी, ये देख। क्या बात है, तुम लोगों को किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? वो मैम अदरक है ना, वो आपके वो बारे में कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं तो कुछ ना कुछ कहता ही रहता हूँ। रोशनी, सबकी शक्लें देख के लगता है कि इन सबसे अब ज्यादा वेट नहीं हो रहा। चलो मैं ही बता देता हूँ, आज हम सब सेलिब्रेट करने वाले। देखा, कहा था ना मैंने, सेलिब्रेट। चुप कर तू। चाचू, किस चीज का सेलिब्रेशन? प्लैनेट 50-50 का। क्या मैम? वनडे मैच 50-50? नहीं भाई, कुछ और है। 50-50 का मतलब है 50-50 की दुनिया, बराबरी बराबरी का, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों का हिस्सा बराबर, ना किसी की ज्यादा ना किसी की कम। हाँ, हर लड़की नकुशा ना हो, खुशी हो, उसके पैदा होने पे सब खुश हो, क्योंकि आधी दुनिया उसकी भी है। और आज इस केस को सॉल्व करने की खुशी में तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। रुको रुको, आता हूं। केक। अरे केक मीठा होगा ना? वो तो खा के ही पता चलेगा। ये बहुत उड़ते हैं ना ये लड़के, अब इनकी पतंग किट्टी काटेगी। मुनीम की औलाद हो, मालिक बनने का ख्याल एक पल के लिए भी मत लाना। नरगिस आपा की सगाई है, वो शुभ घड़ी संडे को आई है। हमारे इश्क का भले ही तुम्हें कभी पता ना चले नरगिस, पर तुझे किसी और के साथ देखता हूँ तो जलता है दिल। ये शादी तो मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा।